हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों, आज दिन है मंगलवार का और अभी टाइम हो रहा है इवनिंग के 4:30 हो रहे हैं और मैं अभी अभी दोनों बच्चों को नहला के ला रही हूँ। दोबारा नहला दिया, सुबह नहला दिया था एक बार, वानी को स्कूल जाते टाइम नहला दिया था, दिविशा को बाद में नहला दिया था, लेकिन अभी अभी इनको दोबारा से नहला के ला रही हूँ। मैं भीग गई थी, आजकल बाथरूम में जाके गीले होके आ जाते बार बार। ये रही, हेलो हेलो दिविशा, हेलो वानी। ओए दिविशा आजकल कैमरे को देखते ही डांस करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ बेड को सेट। मैंने सोचा चलो एक बार और बिछा देते हैं। वैसे मैं कितने बार सुबह से इसको बिछा चुकी हूँ, रोज़ मेरा यही रहता है। सुबह से पता नहीं इस बेड सीट को मैं कितने बार सही करती हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में कुछ इसी तरीके से मुझे मिलती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बेड के ऊपर ही कूदते रहते हैं। अभी भी देख सकते हैं आप, बानी वहाँ से चादर खींच रही है, दिविशा तकिए लगा के ऊपर आने की कोशिश कर रही है, वो चादर बिछाने भी नहीं दे रही है। तो बच्चे हैं तो बच्चे ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिछा दी है बेड सीट। कमरे में बेड सीट वगैरह अच्छे से बिछी हो ना तो घर अच्छे से मैनेज जैसा लगता है। एक बेड सीट बिछाने से ही कमरे की जो शान है वो बढ़ जाती है, नहीं तो ऐसा लगता है कि सारे दिन झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है घर में, मतलब बिखरा बिखरा घर बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बिछा दिए हैं बेड सीट वगैरह और अच्छे से थोड़ा ये कुर्सी वगैरह भी लगा दे रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ कपड़े भी धो देते हैं, और लेकिन लाइट ही नहीं थी तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वॉशिंग मशीन में पानी वगैरह भर के रख देती हूँ, जब लाइट आएगी तो फिर धो देंगे। तो यहाँ पर ये बच्चे लगे हुए हैं मेरे खेलने में और बर्तनों का काफ़ी ज़्यादा ढेर लगा हुआ था, पूरे सुबह से लेके शाम तक के बर्तन सारे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, आप लोगों के भी हो जाते होंगे। तो मैं इसलिए नहीं धोती हूँ सुबह क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो शाम के टाइम पर ही मैं आजकल बर्तन धो रही हूँ। बाहर बिल्कुल निकलने का ही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ चलो आराम से धो लेंगे एक बार, इकट्ठा कर लो, क्योंकि आजकल पानी भी ऊपर से गर्म गर्म आता है तो बर्तन जैसे सूख भी जाते तो एकदम से साफ हो जाते हैं। जैसे जाड़ों में तो ठंडे पानी में दिक्कत होती है ना धोने में, लेकिन गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं है, गर्म पानी में एकदम से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर बानी के स्कूल का टिफ़िन धो रही थी मैं, मुझे बड़ा बेकार लगता है उसके जो ढक्कनों में रबर वगैरह लगी होती है ना, वो सब निकाल निकाल के उनको भी अच्छे से क्लीन करना पड़ता है तभी क्लीन हो पाते हैं। तो बर्तनों की कोई कमी नहीं है, चाहे दो लोग हों परिवार में, चार लोग हों, बर्तन उतने ही हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं जितने बर्तन हैं ना सारे लग रखे हैं। बीच बीच में मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि लाइट तो नहीं आई, क्योंकि ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 6 बजने वाले हो गए थे, मुझे लगा अब रात को ही मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। लेकिन मेरे जैसे जैसे बर्तन धुले यहाँ पर, तो लास्ट में बर्तन जैसे लास्ट रह गए थे तभी लाइट आ गई थी। तो यहाँ पर कढ़ाई धो रही हूँ मैं अपनी, और भी बहुत सारे बर्तन हैं तो लगे आ तो सारे निपटा देते हैं। और यहाँ पर इसी बीच लाइट भी आ गई थी तो मैंने सोचा चलो फटाफट से कपड़े भी डाल देते हैं साथ के साथ। दिविशा बानी लगे हुए हैं, दिविशा अपना मिट्टी में खेल रही है यहाँ पर। फिर मैंने कपड़े वगैरह लगा दिए हैं धोने के लिए, साथ के साथ मैं गैस वगैरह भी क्लीन कर दे रही हूँ। गंदे किचन में खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है ना, कभी जैसे रह जाए कि नहीं हो पाया दिन भर बच्चों की वजह से, तो मेरे को खाना खाने में भी अजीब सा हो जाता है, लेकिन मैं वैसे डेली कर ही देती हूँ। यहाँ पर मैं ये बर्तन का स्टैंड भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, वैसे तो स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, लेकिन जैसे हम गीले बर्तनों को ऐसे रख देते हैं तो थोड़ा बहुत जंक लग ही जाता है, तो मैं रोज़ उस पर भी एक हाथ मार ही देती हूँ। तो यहाँ पर हो गया किचन वगैरह क्लीन, देख सकते हैं आप लोग, सारा चमका दिया मैंने और बर्तन भी सारे धुल चुके हैं। ये देखिए जितने हैं ना सभी लगे हुए थे बर्तन, तो अब धुल रहे हैं यहाँ पर कपड़े। और दिविशा को देखो आप, दिविशा लगी हुई है दीवार से मिट्टी वगैरह निकालने में, वैसे खाती नहीं है आजकल, तो बेडशीट भी मैंने निकाल दी थी, बेडशीट भी चेंज कर दी है मैंने फिर से, मैंने सोचा चलो धो ही रही हूँ कपड़े तो साथ के साथ बेडशीट भी धो दूँगी करके। तो यहाँ पर दिविशा लगी हुई है ना, ये मिट्टी खाती नहीं है मैं, निकालती थी मिट्टी दीवारों से, तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं कपड़े भी, धुल चुके हैं मेरे कपड़े। और टाइम हो गया है अब 6:30 से ज़्यादा टाइम हो गया है, बानी के पापा भी आने वाले होंगे, तो बानी यहाँ पे पापा के आने के टाइम पे खड़ी हो जाती है देखने के लिए कि आए कि नहीं आए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आ गए हैं बानी के पापा और टाइम हो गया है, पूरे 7 बज चुके हैं और ये लेके आए हुए हैं गोलगप्पे। तो मेरी दोनों देवियाँ बैठ चुकी हैं गोलगप्पे खाने के लिए, दोनों बहुत पसंद करती हैं गोलगप्पे। तो बानी तो पानी के साथ खा लेती है अब, लेकिन दिविशा वैसे ही सूखा वाला खाती है। तो चलिए हम लोग खाते हैं, और अभी टाइम हो गया है शाम के 8 बज चुके हैं और बानी अपना स्कूल का होमवर्क कर रही है, आज दिन में नहीं किया था इसने। दिविशा के पास है बानी की रफ़ कॉपी, उसके साथ खेल रही है और बानी करने में लगी हुई अपना होमवर्क। ये देखिए दिविशा की स्माइल, ये कैमरे को देख के
उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो अभी यहाँ पर डिनर की तैयारी करने में लगी हुई हूँ मैं। तो डिनर में आज ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी दाल बना रही हूँ मसूर की, जो लाल वाली मसूर होती है धुली वाली। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है लहसुन प्याज टमाटर सब एक साथ लहसुन का छौंक लगा के, और यहाँ पर दाल चढ़ा दे रही हूँ मैं। दिविसा भी साथ साथ यहाँ पर कुर्सी लगा के खड़ी हुई है मेरे। तो ये जो सिंपल सी दाल है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी, तो हमारे घर में ज़्यादातर ये ही बनती है दाल। रात के टाइम पे सब्जी हम बहुत कम बनाते हैं, ज़्यादातर दाल ही बनती है। तो यहाँ पर दाल चढ़ा दी है मैंने, और साथ के साथ अब रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी हैं। फटाफट से रोटियाँ भी बना लेती हूँ। यहाँ पर बान के पापा ने आटा वगैरह लगा दिया था और उन्होंने ही गोले भी बना दिए थे, तो उन्होंने काफ़ी मोटे मोटे गोले बना दिए। वैसे मैं इतनी मोटी रोटी बनाती नहीं हूँ, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बना दिए हैं। कोई बात नहीं, अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। तो यहाँ पर रोटियाँ बनाते बनाते मेरी हो गई है गर्मी से हालत ख़राब, पसीना पसीना देख सकते हैं आप लोग। तो और दिन हम लोग क्या करते हैं ना, नमकीन दलिया बनाते हैं, खिचड़ी या फिर चावल वगैरह बनाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी से बन जाता है, जैसे चढ़ा दो और फिर कूलर के सामने चले जाओ। लेकिन रोटी बनाने में थोड़ी टाइम लगता है, तो ज़्यादा गर्मी भी लगती है। यहाँ पर आ गया था हमारा दूध, तो मैंने सोचा दूध जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं ये जो बर्तन रह रहे हैं ये सब क्लीन कर लेती हूँ। चकला बेलन तवा वगैरह ये सब मैं पहले ही रोज़ ही वॉश कर लेती हूँ जैसे खाना खाने से पहले, तो बाद में थोड़ी कम कम बर्तन होते हैं। और वैसे भी खाना वगैरह खा के ना फिर से गर्मी में बर्तन वगैरह धोने का बिल्कुल भी आजकल मन नहीं करता है, आजकल कुछ ज़्यादा ही उमस हो रही है। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और इधर दूध भी उबाल आ चुका है, तो यहाँ पर दूध भी उबाल आ गया है। दूध को करते हैं बंद और अब खाते हैं खाना पीना, पसीने से हाल बेहाल हो चुके हैं मेरे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।